हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप इजीली रैंक पुश कैसे करें। तो फ्रेंड, मैं आपको पहला टिप बताता हूँ। तो आपको एरोप्लेन के डायरेक्शन से बहुत दूर उतरना है, जैसे कि ऑब्जेक्टरी एरोप्लेन के डायरेक्शन से बहुत दूर है, तो मैं ऑब्जेक्टरी की ओर चलता हूँ। तो फ्रेंड, आपको अगर ऑब्जेक्टरी पहुंच नहीं पाते हैं और इसके बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं, तो आप कार या तो व्हीकल के सहारे से जा सकते हैं। तो फ्रेंड, हम यहाँ से लॉन्च पैड की मदद से ऑब्जेक्टरी की ओर जाता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टरी यहाँ से बहुत दूर है। और फ्रेंड, हमारे साथ देख सकते एक भी बंदा नहीं उतरा है, तो बहुत देख सकते हमारे पास एक बंदा उतर गया, तो हमें उससे फाइट नहीं लेनी है, हमें एरोप्लेन के डायरेक्शन से दूर जाना है। तो फ्रेंड, आपको शुरू में याद रखना, जो फाइट आपको नहीं लेना, वरना आपका बहुत ही ज़्यादा रैंक माइनस होने का चांस रहता है। तो हम ऑब्जेक्टरी तक जाते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम ऑब्जेक्टरी की ओर पहुंच गए हैं बहुत ही जल्दी, और आपको यहाँ जल्दी से लूटपाट करके एक जगह में सरवाइव करना। आपको बैठ के आपको रस नहीं करना, ना कि गोली गोली का आवाज़ करना, गोली का। तो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से ट्रिम करता हूँ, ताकि आप लूटपाट क्या देखेंगे। तो फ्रेंड, मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा ट्रिम करता हूँ, ठीक है फ्रेंड? और मैं लास्ट जोन, मैं जोन में मिलने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते जून आने वाला है, और मैंने बहुत देर तक सर्वाइव यहाँ कर लिया हूँ, और यहाँ एक भी बंदा नहीं आया है। तो फ्रेंड, आपको भी ऐसा करना है। और फ्रेंड, मैं बता दूँ, सोलो मैच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेट रखना चाहिए, मेडिकेट, नेड और ग्लोबल। ग्लोबल अगर आपके पास नहीं हो, तो आप खुले में मत जाइए फ्रेंड, वरना आपका रैंक माइनस लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और फ्रेंड, आपके पास अगर एक भी ग्लोबल नहीं रहा, तो आपको कवर में रहना चाहिए। तो देख सकते मैं जोन के साथ लूट कर रहा हूँ, ताकि कोई बंदा मुझे नहीं देख सके। और फ्रेंड, मैं बता दूँ दूसरा टिप, कि आपको पता ही होगा, जैसे जोन आने वाला रहता है, बंदे लोग जोन के अंदर घुसने वाले रहते हैं, तो आपको जोन जैसे ही आते हैं तभी आपको लूट करना चाहिए। और फ्रेंड, कैरेक्टर स्किल की बात की जाए, तो अगर आपके पास आलोक नहीं है, तो आप वुकोंग कैरेक्टर का स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं वुकोंग कैरेक्टर का स्किल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वुकोंग कैरेक्टर का मैं टिप्स भी लाऊंगा जल्दी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेट भी रखना चाहिए, ताकि आपको डैमेज लगने से आप मेडिकेट कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपको स्किल में पालोमा कैरेक्टर का स्किल भी यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिले। तो फ्रेंड, मैं आपको जोन के एंडिंग में मिलता हूँ। तो फ्रेंड, मैं देख सकते हैं आप, मैं जोन के अंदर में भी अभी भी लूट रहा हूँ। अभी यहाँ से कोई भी बंदा नहीं रहेगा, क्योंकि सब बंदा जोन के अंदर जाने वाला है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको एक और तीसरा नंबर टिप बताने वाला हूँ। इस टिप में आपको बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपको बंदा मार सके। तो फ्रेंड, आपको जोन के एक कोने जगह में बैठ जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई बंदा ना आ सके। तो जैसे कि जोन का यह कोना बहुत ही अच्छा है, और यहाँ बहुत कम बंदा आए, पर देख सकते जोन थोड़ा सा आगे बना है, और यहाँ नीचे तो बंदा नहीं है, तो आप थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ थोड़ा सा आगे एक टावर है, जहाँ पर कोई भी बंदा नहीं रहता है, बहुत कम चांस रहते हैं यहाँ पर बंदा मिले आपको। तो आप इस टावर में सरवाइव कर सकते हैं फ्रेंड। और तीसरा नंबर का टिप की बात की जाए, तो आपके पास अच्छी खासी वेस्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास वेस्ट नहीं रहे, तो आप जल्दी लड़ाई मत कीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं इस टावर में थोड़ा देर कैंप करता हूँ, ताकि जोन आ सके। तो फ्रेंड, थोड़ा सा मैं वीडियो के यहाँ से कट कर देता हूँ, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो गाइस, अब देख सकते हैं अलाइव 11 है, मतलब 11 बंदे अब बचे हुए हैं। अब देख सकते हैं 10 बंदे बचे हुए हैं। तो अब आपको किल करना है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, अब आपको सर्वाइव नहीं करना है,
अब आपको किल की तलाश में जाना है। तो फ्रेंड, अगर आपको कहीं वेस्ट अपग्रेडर मिले तो आप वहाँ पर वेस्ट अपग्रेड करने से पहले आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कोई बंदा वहाँ पर लैंडमाइन ना लगाए। तो फ्रेंड, आप अब देख सकते, तो थोड़ा सा आगे जोन बना है, तो हम जोन के अंदर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर कोई आपके हाइट वाला जगह रहता है आपके पास, तो आप वहाँ से देखिए कि क्या कोई बंदा नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, वहाँ पर एक बंदा आ रहा है, तो मैं उसे एक किल कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना आसानी से एक किल हो गया। और फ्रेंड मैं बता दूँ, अगर आप रैंक पुश कर रहे तो आपको मिनिमम 2 से 3 किल करना चाहिए, तो आपका केडी रेट भी ठीक रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते, मेरा एक किल हो गया है। और फ्रेंड देखिए, मुझे बहुत ही अच्छी लूट मिला है, मैंने बहुत ही अच्छा सर्वाइव भी किया है। और फ्रेंड आपको लूट के और फ्रेंड बाकी ये तो आपको इन्हेलर रखना ही चाहिए, इन्हेलर अभी बहुत ही काम आ रहा है गेम में। तो फ्रेंड आपको जब लास्ट जोन बनता है, तो आपको जल्दी से जोन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जोन के अंदर ये जोन बहुत डैमेज देता है। और अगर कोई दूसरे बंदा अगर जोन के अंदर आता है, तो आपको जाने नहीं देंगे जल्दी, तो आपको कवर में रहना चाहिए फ्रेंड। और फ्रेंड नेक्स्ट टिप की बात की जाए, तो आपको एकदम जोन के कोने में बैठना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पत्थर के कोने में बैठ रहा हूँ, ताकि यहाँ से कोई बंदा आ न सके। पीछे से कोई बंदा आने के चांस बहुत कम है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बंदा नहीं आ रहा, तो मैं फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो यहाँ से कट कर देता, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, एंड सर्कल बनने वाला है, मैं इसके अंदर आ गया। तो फ्रेंड मैं इस पेड़ का कवर ले लेता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड बुकोंग बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, अगर आपके पास आलू नहीं तो बुकोंग का इस्तेमाल कीजिए। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही टिप्स एस ट्रिक के वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड आपको शांति से जोन के अंदर बैठ कर रहना चाहिए, ताकि कोई बंदे ना आ सके। और फ्रेंड आपको उठक बैठक करना चाहिए, ताकि कोई अगर पीछे से फिर शॉट ना दे सके। तो फ्रेंड अब देख सकते हैं, अब 5 बंदे बचे हुए मेरे अलावा। तो फ्रेंड देख सकते, गाड़ी आ रहा है, मैंने उसको गाड़ी फोड़ दिया, और उस बंदे को अब मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो देख सकते वो बंदे टावर चढ़ रहा था, मैंने उसको पूरा ख़त्म कर दिया। कितना आसानी से मेरा 2 किल हो गया फ्रेंड। और फ्रेंड आप बंदे को किल करके इमोट दिखा दीजिए, ताकि वो बंदा लाइक भी दे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जोन थोड़ा सा आगे बना, लास्ट जोन में आपको जाना चाहिए। लास्ट जोन के लिए आपको बहुत ही जल्दी जाना चाहिए। तो फ्रेंड आपको संभल के जाना चाहिए, ताकि आप बुलिया कर सके। और फ्रेंड आपको लास्ट जोन में देखना चाहिए कि कौन से बंदे के पास क्या क्या गन है, मतलब अगर जिससे किल का नाम आता है ना, भी कौन से गन से किल होता है, तो आपको ध्यान में देना चाहिए कि कोई बंदे के पास AWM या M79 ना हो। और फ्रेंड आपको लास्ट जोन में ज़रूरी फ़ायदा लेना चाहिए, और बंदे की लोकेशन हमेशा पता करके रखना चाहिए लास्ट जोन में। तो फ्रेंड आगे देख सकते हैं, एक बंदा इसे हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं, और ये हेडशॉट, और एक बंदा बचा हुआ, और ये देख सकते फ्रेंड बुइया हो गया हमारा। तो फ्रेंड देख सकते, बुइया करना बहुत ही आसान बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड टाटा, सी यू, बाय बाय।